अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED BTC एडमिशन 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 29 अगस्त 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में एक सवाल होगा कि DLED 2020 के लिए क्या आवेदन शुरू हो चुका है। उसके बाद अगला सवाल कि कैसे करेंगे आवेदन, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों कि आवेदन करते समय कोई गलती ना करें। अधिकतर छात्र दोस्तों आवेदन करते समय गलती कर देते हैं। कभी तो दोस्तों वो अपना नाम गलत लिख देंगे, कभी अपने माता जी का नाम या पिताजी का नाम, या दोस्तों कभी कभी अपना डेट ऑफ बर्थ। और दो इम्पोर्टेंट चीज़ और, आपको दोस्तों आवेदन करते समय एक तो आपका मोबाइल नंबर लिया जाता है, जो कि दोस्तों इसमें तो आप गलती कर ही नहीं सकते, और इसके बाद आपसे एक ईमेल आईडी लिया जाता है। अधिकतर बच्चे ईमेल आईडी भरने में गलती करते हैं, इसका जरा इस बार ध्यान रखिएगा। इसलिए दोस्तों हम पहले से आपको अवगत करा दे रहे हैं, याद दिला दे रहे हैं, ठीक है। तो एक और सवाल, क्या एडमिशन के लिए दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं यूपी DLED एडमिशन 2020। अगर आप उत्तर प्रदेश से DLED करना चाहते हैं तो यहाँ की दोस्तों बातें हो रही है। तो क्या एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तो इसका आंसर है फिलहाल नहीं। यहाँ पर दोस्तों यूपी में DLED में एडमिशन के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, तो फिर आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर पहले दोस्तों आपके हाई स्कूल के परसेंटेज देखे जाते हैं, कितने परसेंट आपने प्राप्त किए, फिर उसके बाद इंटर के, उसके बाद ग्रेजुएशन, बीटेक किया होगा आपने, बीए किया होगा, बीएससी किया होगा, जो भी दोस्तों आपने किया ग्रेजुएशन में, उसके परसेंटेज को जोड़ा जाता है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों आपने हाई स्कूल में 10वीं में 80% प्राप्त किया, उसके बाद इंटर में दोस्तों आपने 70% प्राप्त किया, इसको जोड़ लेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन। देखिए दोस्तों, अगर आप बीएससी करेंगे तो आपका बीएससी या बीए 3 साल का होता है। मान लेते आप पहले साल 60% लाए, दूसरे साल भी 60% लाए, तीसरे साल भी 60% लाए, तो आपको जो एवरेज बनेगा वो 60% ही बनेगा। एवरेज कैसे निकालते हैं इसको भी जरा आपको हम बता देते हैं। या दोस्तों कोई ऐसे छात्र हो सकते हैं जो पहले साल भाई 60% लाते हैं बीएससी में, दूसरे साल 70%, तीसरे साल दोस्तों 50%, तीनों को दोस्तों जोड़कर 3 से भाग कर देंगे। अगर आपका कोर्स 3 साल का है तो 3 से भाग करेंगे, 4 साल का है तो 4 से भाग करेंगे। तो जोड़ लीजिए जरा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 60, 7, 6, 13, 13, 5, 18 हो जाएगा 180/3, तो 3 से भाग कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका 60, ठीक है। तो आपको एवरेज निकालना समझ में आ गया, अब इसको जरा जोड़ लेंगे। जैसे आपके हाई स्कूल में 80 थे 80 और इंटर में 70, 8, 7, 15 हो गया, 15, 6 हो गया आपका 21, मतलब 210, ये दोस्तों आपकी मेरिट बन गई। अब दोस्तों बात करेंगे कि सरकारी कॉलेज के लिए क्या मेरिट होनी चाहिए। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, सोचते हैं यार चलो हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए, फीस में दोस्तों आपको बता देते हैं डिफरेंसेस कितना रहेगा। ये सवाल भी आपका है कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की फीस को जानिए। देखिए दोस्तों, सरकारी कॉलेज में जो फीस पड़ेगी आपकी 10,200 रुपये पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो आपकी फीस 41,000 रुपये पड़ेगी। फीस में दोस्तों हो सकता है कि इस बार बदलाव किया जा सकता है, 10,200 को बदलकर 10,500 या 11,000 किया जा सकता है, 41 को 42 में किया जा सकता है, लेकिन फीस फिलहाल अभी यही है। प्राइवेट की दोस्तों 41,000 रुपये आपको देना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में आप जो अंतर देख रहे हैं फीस में, वो लगभग 4 गुना का है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पैसों की बचत हो, सरकारी कॉलेज मिल जाए, देखिए इस समय तो बहुत ही अच्छा है कोरोना काल में, सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपको तो कॉलेज जाना ही नहीं पड़ेगा, तो सरकारी हो या प्राइवेट सब कुछ बेहतर है, ठीक है। घर से ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो कुछ दिन दोस्तों आपके मजे रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि भाई सरकारी कॉलेज के लिए जनरल OBC SC ST फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर के लिए मेरिट क्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने आपको निकाल कर तो दिखाया कि भाई मेरिट आपकी ऐसी बनती है, आपके 210 नंबर आ रहे हैं, 220 आ रहे हैं, 230 आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं, कितनी मेरिट चाहिए आपको सरकारी कॉलेज के लिए, उसको भी हम इस वीडियो में अभी कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे DLED करके कैसे मिलती है नौकरी। मान लेते दोस्तों आपने DLED में एडमिशन तो ले लिया, पढ़ाई वढ़ाई की, फिर नौकरी कैसे मिलेगी उसको भी तो जानेंगे ना, ठीक है। एडमिशन से पहले कॉलेज के बारे में पता करें। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट जो हमने लिख दिया ना, ये बहुत बड़ी पॉइंट है दोस्तों, और अगर आप ये गलती कर गए तो फिर बहुत ज़्यादा पछताएंगे। होता क्या है ना कि जैसे दोस्तों आपको एडमिशन चाहिए, हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं, सरकारी वाले तो भाई कम फीस वाले हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अधिकतर बच्चे वैसे प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे, बहुत ही कम बच्चों को सरकारी कॉलेज में दाखिला मिलेगा। तो प्राइवेट कॉलेज में आप जाएंगे तो होता क्या है कि एक बार आप जाइएगा पहले, जैसे अगर आपके ज़िले में 10 प्राइवेट कॉलेज हैं DLED के, तो कोशिश करिएगा दोस्तों 1 से 2 कॉलेज या 2 से 3 कॉलेज में जाकर पता करिए कि वहाँ पर कैसे मतलब पढ़ाई होती है। पढ़ाई छोड़िए, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ नहीं होती, वैसे आपको ये पता करना है कि आखिर वहाँ कितना पैसा लेते हैं।
कुछ बच्चे दोस्तों ऐसा होते हैं जो डीएलएड में नौकरी करते करते डीएलएड भी करना चाहते हैं, तो भाई पैसे बहुत ही ज़्यादा आपसे लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्त, इतना एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा कि आप देते देते परेशान हो जाएंगे। अगर आप एक गरीब घर के छात्र हैं फिर आपके लिए दिक्कत आएगी। लेकिन इन सबसे एक दोस्तों समाधान आपको मिल सकता है कि आप जाइए एक बार कॉलेज से संपर्क करिए, पता करिए। कॉलेज वाले दोस्त अगर आप एक बार चले जाएंगे तो भाई आपसे एक बार डील कर लेंगे कि हम ऐसे ऐसे फीस लेते हैं, हम एग्जामिनेशन फीस इतनी लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल फीस इतनी लेते हैं। कुछ कॉलेज वाले अपना भाई खुद का ड्रेस और किताबें बांटते हैं, जो कि बिल्कुल बेकार ही होता है। ड्रेस तो रद्दी देंगे, आपको पता है, उसका भी पैसा लेते हैं। तो भाई कह दीजिएगा कि हमें ड्रेस व्रेस नहीं खरीदनी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक बार आप कॉलेज से संपर्क करिएगा, और कॉलेज में आप जाएंगे तो बढ़िया वाला लॉलीपॉप भी आपको दिया जाएगा। मतलब आपको दोस्तों ऐसा झांसा दिया जाएगा कि आप तो स्वर्ग में आ गए। तो सावधानी बरतिएगा, जाइएगा, पता करिएगा, उसके बाद ही एडमिशन लीजिएगा। जी हाँ दोस्त, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कॉलेज में एडमिशन लेकर रोते हैं कि हमारे कॉलेज वाले हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है, हमें रोज़ रोज़ बुलाया जा रहा है, बेमतलब का बुलाया जा रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है तब भी बुलाया जा रहा है। और कुछ कॉलेज में ऐसा हो जाता है दोस्तों कि आप एक दिन की भी मतलब अब्सेंट होते हैं तो वहाँ पर आपको 100 रुपये से लेके 500 रुपये का फाइन चार्ज किया जाता है, ठीक है, कॉलेज ना जाने का। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए पहले से हम आपको अवगत करा रहे हैं। देखिए, सभी कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, कुछ कॉलेजेस में होता है। अगर गलती से आपने उन कुछ कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। तो सावधानी जरूरी है। और आपको बता दें, डीएलएड बहुत ही नॉर्मल सा कोर्स है, तो आप एक बार कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, मिल लीजिएगा, ठीक है, इस समय तो टाइम मिले तो मिलिएगा। फिलहाल अभी तो आपको फाइनल ईयर का पेपर देना होगा। एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के प्रशिक्षण डीएलएड 2020 में प्रवेश फिलहाल रुका हुआ है, स्नातक परीक्षा के बाद होगी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, कल आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, कल 28 अगस्त को, याद है कि नहीं आप लोगों को? देख तो लिया ही होगा, आप लोग ज़्यादा परेशान होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों जजमेंट यही आया कि भाई फाइनल ईयर का पेपर कराना जरूरी है, बिना पेपर आप पास नहीं हो सकते। और यूपी गवर्नमेंट ने भी दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसका समर्थन किया है। कुल मिला के आप परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए, पेपर वेपर आपका हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही डीएलएड 2020 में एडमिशन का प्रक्रिया या प्रोसेस शुरू होगा। देखिए, डीएलएड और बीएड में अंतर आपको बता दें। बीएड में दोस्तों क्या हो जाता है कि भाई अगर आप फाइनल ईयर का पेपर नहीं दिए भी होते हैं तब भी दोस्तों आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए मतलब क्वालिफाई हो जाते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बीएड में। लेकिन डीएलएड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि डीएलएड में आपको जो एडमिशन मिलता है वो मेरिट बेस पर मिलता है, ठीक है। आप बताइए, अगर आपका फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, तो आपकी मेरिट कैसे आएगी, एवरेज आप कैसे बनाएंगे, इस बात को आप समझ रहे हैं ना? तो जब तक दोस्तों आपका फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप परेशान मत होइए, डीएलएड में एडमिशन रुका रहेगा, क्योंकि डीएलएड में भी छात्रों की कमी होती है। सोचते हैं ना कि जब छात्र पेपर वेपर दे कराएंगे तभी तो एडमिशन या दाखिला लेंगे डीएलएड में। तो ठीक है, बढ़िया कोर्स है। अब नौकरी कैसे मिलती है आपको बता दें। फिलहाल जो डीएलएड का आपका कोर्स होगा, पहले अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेंगे तो आपको दोस्तों 4 सेमेस्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 बार आपका पेपर होगा। ये कोर्स आपका 2 साल का होने वाला है डीएलएड का, ठीक है, 2 साल का कोर्स, 4 सेमेस्टर का पेपर। और आपको बता दें दोस्तों, आपका हर एक सेमेस्टर में, ठीक है, एक एक महीने की दोस्तों टीचिंग लगेगी, हर एक सेमेस्टर में टीचिंग करने आपको जाना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर आप चाहेंगे तो अपने साथ 4-4 बच्चों को अपने कॉलेज के 4 ग्रुप बनाकर जा सकते हैं, ठीक है, बढ़िया रहता है, मज़ा आती है, टाइम पास होगा, बढ़िया, जाइएगा, मौज करिएगा। तो 4 बार दोस्तों आपको टीचिंग करने का मौका मिलता है। जो 4th सेमेस्टर में आप जाते हैं, फाइनल सेमेस्टर कहिए या 4th में, तो वहाँ पर दोस्तों आप कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। बाकी आपका पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर में आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये दोस्तों पूरा प्रोसेस है, आप जाएंगे पढ़ाएंगे, मजा करिए, और कुछ नहीं है। तो अब अपडेट क्या है इसको जरा देख लेते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा डीएलएड का क्या होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। डीएलएड 2020 में प्रवेश फिलहाल रुक गया है, शासन ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, SCERT को निर्देशित किया है कि प्रवेश प्रक्रिया अब स्नातक परिणाम आने के बाद ही शुरू किया जाए। ऐसे में यह प्रवेश अब स्नातक का रिजल्ट आने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। तो ठीक है, आप परेशान मत होइए, रिजल्ट रिजल्ट आएगा, आप लोग बढ़िया से अपने पहले ग्रेजुएशन का पेपर दीजिए, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। अब नौकरी कैसे मिलती है हम आपको ये बता रहे थे, डीएलएड करके देखिए दोस्तों। जैसे आप डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, 2 साल का कोर्स है, आपको बता दें डीएलएड करने के बाद आपको देनी पड़ती है टीईटी की परीक्षा। बहुत सुना होगा आपने टेट के बारे में, लेकिन इसको अच्छे से समझते नहीं होंगे। टेट आपका 2 तरह का होता है, एक तो होता है आपका सीटेट, सीटेट की परीक्षा पास कर लेंगे तो आप दोस्तों देश भर में कहीं भी वैकेंसी आती है, मतलब ये सेंट्रल लेवल का पेपर है। और एक होता है आपका यूपीटेट, यूपीटेट दोस्तों आपका सिर्फ उत्तर प्रदेश में वैलिड होता है, अगर बिहार में कोई वैकेंसी दिल्ली में आती तो वहाँ पर आप यूपीटेट नहीं लगा सकते, वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा सीटेट।
तो सबसे बढ़िया एक बार सीटेट पास कर लीजिए, फिर सारी टेंशन खत्म। चाहे यूपी में वैकेंसी है, चाहे बिहार में, दिल्ली में, आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो टेट की 200 जैसे परीक्षा, इसको क्वालिफाई करना होता है। आपको बता दें यहाँ पर जनरल के बच्चों को, लो बच्चे हैं आप, तो 90 नंबर लाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आप ओबीसी से आते होंगे, एससी से आते होंगे, एसटी से आते होंगे, तो आपको पास होने के लिए 82 नंबर लाना पड़ेगा। 90 और 82 पासिंग मार्क है। जब आप टीईटी की परीक्षा पास कर लेंगे तो दोस्तों आपको अंतिम परीक्षा देनी पड़ती है, एसटीईटी, सुपर टेट इसको बोलते हैं, ठीक है। सुपर टेट की परीक्षा पास करेंगे, वहां से दोस्तों एक और मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट, उसके आधार पर आपको नौकरी दी जाती है। तो सुपर टेट से दोस्तों सिर्फ नौकरी नहीं मिल जाती, देखिए सुपर टेट का आपका 60% लिया जाता है, बाकी दोस्तों आपका हाई स्कूल का भी 10% नंबर। जैसे मान लेते हैं दोस्तों आपने हाई स्कूल में 70% नंबर लाया था, तो इसका 10 से भाग करेंगे तो 7 नंबर। वैसे दोस्तों आपका इंटर का भी 10% नंबर लिया जाता है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन बीए बीएससी आपने जो भी किया उसका 10% लिया जाता है, उसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है आपका डीएलएड। आप डीएलएड करें तो डीएलएड, नहीं तो बहुत से छात्र बीएड करेंगे तो बीएड का भी 10% नंबर लिया जाएगा। बाकी देखिए जोड़िए 10 10 10 10, 40 हो गया, बाकी 60 है 100, ऐसे आपके मेरिट बन के आपको नौकरी मिल जाती है। अब दोस्तों वीडियो के अंत में एक बार और कि सरकारी कॉलेज के लिए दोस्तों आपको मेरिट कितनी चाहिए होगी इसको जरा देख लेते हैं। देखिए अगर आपका सपना है सरकारी कॉलेज मिले, कम फीस में आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, तो इस मेरिट को समझते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के छात्र, फिर दोस्तों ओबीसी कैटेगरी आती है, एससी आती है, एसटी आती है। एक बात आपको यहाँ पर हम क्लियर करना चाहेंगे दोस्तों, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है, मेरिट जाती है फाइनल, वो लगभग बराबर होती है। या दोस्तों हो सकता है कि ओबीसी कैटेगरी की मेरिट हाई भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी में भाई छात्र बहुत ही अच्छे नंबर आजकल ला रहे हैं, तो ओबीसी में दोस्तों कंपटीशन बहुत ही तगड़ा रहता है। एससी एसटी हो गया, उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप आपका आता है, यहाँ पर भी काफ़ी छात्र मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, एक्स सर्विस मैन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपकी फ्रीडम फाइटर। तो आपको बता दें दोस्तों आपके कॉलेज में मैक्सिमम होता है क्या, सरकारी कॉलेज की बात कर रहे हैं, इन तीन कोटे की दोस्तों सीटें खाली रह जाती हैं कभी कभी, क्योंकि दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप के छात्र मिल नहीं पाते, एक्स सर्विसमैन के मिल नहीं पाते, फ्रीडम फाइटर के मिल नहीं पाते, तो ये सब होता है। तो सबसे पहले दोस्तों जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए हम कहना चाहेंगे कि एक बात और है, अगर आप लोग आरक्षण का फायदा लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, तभी आपको इसमें एडमिशन होगा। ये सब चीज़ों को जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आज की डेट में ना हो तो उसको बनवा लीजिएगा, तभी आपको ओबीसी का, एससी या एसटी या दोस्तों विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, इसको आपको बनवाना पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो जनरल के लिए दोस्तों जो एक्सपेक्टेड मेरिट है आपको बता दें, वो कम से कम 230 से लेके 240 प्लस तक मेरिट जाती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओबीसी में भी दोस्तों अगर आप 225 से 240 प्लस में ही मेरिट जाएगी, ये मिनिमम है दोस्तों, इससे कम में तो बात नहीं बन पाएगी सरकारी में, प्राइवेट पर आराम से मिल जाएगा। एससी में दोस्तों होगा कि आपका कि 200 से लेके 220 तक, ठीक है, एससी में थोड़ा भाई कम जा सकता है। एसटी में भी 200 से लेके 210 प्लस तक आपको मिल जाएगा। बाकी फिजिकल हैंडीकैप में दोस्तों 190 प्लस भी मेरिट है, आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। एक्स सर्विस मैन में 180 प्लस पर भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फ्रीडम फाइटर में भी 180 प्लस पर भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है। देखिए इनके लिए थोड़ा मेरिट कम रहती है, बाकी आप लोगों के लिए मेरिट काफ़ी हाई होगी, सरकारी कॉलेज की बात हो रही है, बाकी प्राइवेट कॉलेज में सबका एडमिशन हो जाएगा, मेरिट कितनी भी कम हो, ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको आराम से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अभी दोस्त इसका ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज आएगा तो उसको हम आपको दिखा देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल दोस्तों डीएलएड 2020 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, हमने कमेंट बॉक्स नीचे लिंक दिया, जहां पर दोस्तों आपको ढेर सारी जानकारी मिलेंगी, ठीक है, कैसे आवेदन करना है दोस्तों उसकी हम पूरी वीडियो आपके लिए बना देंगे, लेकिन आवेदन वाला फॉर्म आने दीजिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, और याद रखिए यहाँ पर एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, उसको लेकर आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।